कमाते कैसे आप पैसा? का कबाड़ा बीनते है, कूड़ा कबाड़ा बीन के भीख मांगते हैं, तो मजदूरी बेल मजदूरी करते हैं, तो पाल रहे अपने बच्चे, क्या करें? ये भरू आप लोग को कह रहे हैं आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे, जला देंगे, कहाँ जाएंगे? क्या हम लोग फालतू, हमारे दौलत नहीं है, हमारे पैसा नहीं है, हमारे मकान नहीं, तो हम गरीब है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या करे, मेरे घर टूट रहा है, मैं क्या खा जाऊँ सर? छोटे छोटे बच्चे हमारा वो पुलिया के नीचे बैठे हैं। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ। अब वोट निकलने के बाद पब्लिक को लात मार के धक्के मार के भगा देते हैं। मारो कर छोटे छोटे बच्चे लेके हमारा मकान तोड़ रहे, कहते जहाँ झुग्गी वही मकान। अब हमारे कोई सहारा नहीं है, न नेता है, न प्रधान है, कोई नहीं आ रहा, और हमारी झुग्गी टूटी जा रही है। 8-10-20 साल से हम यहाँ रह रहे, हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है। कुछ नहीं, अब वोट ले लेते गरीब आदमी का धक्का मार दे, गरीब आदमी के हाई पड़ेगा तो ये जीतेंगे, मरेंगे बच्चे, बच्चे मरेंगे। जो बीजेपी के आदमी है वो खुद तोड़वा रहे हैं आके। लोग हैं दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो पीछे जो एरिया आप देख रहे हैं, नियर बाय तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जहाँ पे पुलिस प्रशासन अपने दल बल के साथ यहाँ पे तोड़फोड़ का काम चालू हो रहा है। और पीछे के साइड में आप देख सकते हैं सारे के सारे लोग अपने घर पे हैं, जहाँ पे पुलिस फोर्स लगातार तैनात है। यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये घर तोड़ा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि अनऑथराइज जगह पर ये मकान बना हुआ था, इसीलिए भैया ये बताइए क्या हो रहा है? ये झुग्गी तोड़ रहे हैं भाई, झुग्गी तोड़ रहे हैं। आपको नोटिस नहीं दिया था? नहीं, कुछ भी नहीं, नोटिस आई नहीं है। नोटिस नहीं आया? नहीं। अच्छा, नोटिस के तोड़ने आ गए हैं यहाँ अपने अपने नेताओं आदमी के सब नेता, क्या करें, नेता तो घुसखोरी होते हैं। अच्छा, इधर की उधर, इधर की उधर लगाते हैं। तो आपको किसी ने बताया नहीं यहाँ पे कि आपका तोड़ेगा? नहीं, कर दो। नहीं, कोई नहीं बताया। तो कौन कौन सा एरिया टूटने वाला है, कुछ पता है आपको? पता, यही एरिया सब टूटा है, यही सब टूटा है। अच्छा, ये सिर्फ आधा टूटेगा? इधर के लिए बोले थे और इधर की बचने के लिए बोले थे, भाई पूरे में चढ़ा दिए बिल्डोजर। पहले बताया गया कि ये आधा टूटेगा और आधा बचेगा, नीचे ही नीचे के लिए बोले थे। अच्छा, कि नीचे जितने गड्ढे में है तो वो टूटेंगे और ऊपर वाली बच जाएंगे। आपको किसी ने नोटिस नहीं दिया यहाँ पे? नोटिस दिया था, लेकिन इधर ही इधर को बोले थे। कौन आया था नोटिस देने के लिए? कोई नहीं आया था, ऐसे पुलिस वाले थे, चिपका के चले गए। डुप्लीकेट बना के दिए थे, असली जो थे, कोर्ट से आते ना मोहर साइन सब कुछ होता है। मोहर साइन नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था, डुप्लीकेट था। ये गरीब आदमी का मारे के कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? जहाँ पे हम लोग इंदिरा गांधी जब मरे ना, उससे पहले से हम लोग रह रहे हैं। हाँ, सन 84 से, तब से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ और एकदम से? नहीं, जब पहले कुछ नहीं होता था, अभी जबरदस्ती लोग तोड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, और गरीब का कुछ मुआवजा दे तो हाथ लगा, खुद भी इन्हें खाली पेट तोड़ दे, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? मुआवजा की भी बात नहीं? नहीं, कुछ नहीं, कहते इनका मार मार भगाओ। गरीब आदमी की ज्यादा वोट कौन देता? गरीब आदमी तो देता है वोट ना। किसको वोट दिया था आपने? अरे वोट तो भैया केजरीवाल ले लिया सारा बटोर के, उसके बाद तो बीजेपी लिया, कांग्रेस लिया, सारे आए, सब पार्टी आए, वह पार्टी इस टाइम कोई काम नहीं है। आगे आम आदमी पार्टी का विधायक, वो नेता का ऑफिस है यहाँ पे? हाँ, है, लेकिन कोई साथ नहीं देता, सबको कहते तुम्हारा घर है आओ जाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो गरीब आदमी क्या करेगा? और यहाँ के विधायक है रामवीर सिंह भिदूड़ी, वो भी साथ नहीं दिए? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं साथ है। वो लोग तोड़वा रहे हैं, वो तोड़वा रहे हैं। जो बीजेपी के आदमी है वो खुद तोड़वा रहे हैं आके। अच्छा, बताओ गरीब आदमी, अगर इतना जो हम बोलते ना, अगर न्यूज में ये सारे मतलब सब में फैलेगा तो सबको पता चलेगा कि ये है। सुनो, ये कहते हैं कि तुम्हें कालका जी माँ तुम्हें हम मकान बना के दी है, किसी को मकान का पता नहीं ना, कहते हम मकान दिए, मकान दिए, किसी को नंबर पंबर नहीं, कुछ नहीं। और वोट ले लेते गरीब आदमी का धक्का मार दे, गरीब आदमी के हाई पड़ेगा तो ये जीतेंगे, मरेंगे बच्चे, बच्चे मरेंगे। ऐसा कहा जा रहा है, अनऑथराइज्ड जगह था, रजिस्ट्री थी आपकी यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया,
था, रश्मि तो दूर हम देख नहीं, रश्मि कैसे होती है। मीटर लगा हुआ था यहाँ पे? हाँ, मीटर पक्का मीटर है। क्या कह रहे भैया? यही बताएंगे, बताइए। गला खराब है, गला खराब है। अच्छा तो चिल्लाने थे फिर भी कह रहे नहीं बताए। खैर छोड़िए, ये जो एरिया है ये नियर बाय तुगलकाबाद रेलवे मेट्रो स्टेशन पड़ता है बगल में, और जस्ट बदरपुर का विधानसभा क्षेत्र का एरिया पड़ता है। पीछे साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार नहीं भी कुछ तो 5000 से ऊपर की आबादी है यहाँ पे। ये घर किस तरीके से तोड़ा जा रहा है ये आप देख सकते हैं। इनका कहना ये है कि यहाँ पे नोटिस नहीं दिया गया इनको, अनऑथोराइज के नाम पे ये घर जो है वो तोड़ा जा रहा है एकदम से, और कोई ना नेता सपोर्ट में आ रहा है ना कुछ। भैया क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रहा है ये? अब नेता के गुंडे कर दी है, अब क्या मानेंगे? नेता की गुंडा के कौन से नेता को वोट दिया था आपने? आप तो सभी नेताओं का दे रहे हैं। हाँ। जो भिखारी है कोई भी नहीं हमारा कर, छोटे छोटे बच्चे लेके हमारा मकान तोड़ दे, कहते जहाँ झुग्गी वही मकान। अब हमारे कोई सहारा नहीं है, न नेता है न प्रधान है, कोई नहीं आ रहा, और हमारी झुग्गी टूटी जा रही है। 8-10-20 साल से हम यहाँ रह रहे, हमारे पास प्रूफ है सब कुछ है। क्या क्या प्रूफ है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब कुछ है हमारे पास। आज कोई खड़ा नहीं, न प्रधान न मंत्री न कोई, हम छोटे छोटे बच्चे के लेके और सबके हाथ बिनती जोड़े कह रहे तुम्हारा कोई यहाँ नहीं है, जाओ। 2015 का वो दिखाओ, 2010 का वो दिखाओ बिजली का बिल, तो तुम्हें जगह मिलेगा, घर मिलेगा। बिजली बिल है आपके पास? हमारे पास बिजली का बिल, फिर भी आपका घर? हमारा मीटर भी काट के ले गए, अभी हम बोल रहे थे वो भी ले गए, कह रहे हमने बोला हम इतना बिल भरते हैं 2000-3000, वो कहाँ से आएगा? तो कह रहे अब तुम्हारा कुछ भी नहीं, पैसा तो मिलेगा हमारा जो हम इसमें मुआवजा, तो वो मिलेगा? कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। बताओ हम गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, अब वोट देते हैं तो सब आते हैं, प्रधानमंत्री तुम्हारा जहाँ झुग्गी वही मकान, मोदी सरकार, झाड़ू वाले सब सरकार बोलते हैं, अब तो कोई नहीं आया यहाँ पे हमें बचाने। तो आप नहीं गए किसी नेता के पास? बोले नहीं गए? हम वीर भदौड़ी के पास गए थे, कह रहे के वहाँ का नोटिस आ गया, सरकार अब नहीं रोक सकती कोई मकान न कोई झुग्गी, कोई नहीं रोक सकती। नोटिस आपको आया था? हमारे पास नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया था, ऐसे ही तोड़ रहे हैं, ऐसे ही तोड़ रहे हैं। हाँ, हमारे पास नोटिस नहीं, 2023 का कुछ है, 2023 का कुछ ये लिखा हुआ है, ये बोल के गए थे। ये देख लीजिए भाई, ये नोटिस है, ठीक है, जिसपे लिखा है DUSIB C575E2SL022। ना जाने भाई कौन सा सरकार है और कौन सा वो नेता है और कौन सा वो अधिकारी है जो इसको नोटिस का नाम दे करके इनका घर तोड़ रहा है। कहा जाता है कि बिजली का बिल जो है वो आपका एक रेजिडेंस का प्रूफ होता है। आधार जब आपसे पूछा जाएगा कि आप इस देश के हैं तो आपसे बोला जाता है आधार कार्ड दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, राशन कार्ड दिखाइए। वो लोग क्या करें जिनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उनकी कोई सुन नहीं रहा है। उसका भी बिल हम भरते हैं, गैस सिलेंडर भी लेते हैं, उसका भी 750 भरते हैं, उसको उसमें भी कोई प्रूफ, कितना प्रूफ दें हम उनको? तो कहाँ से हमारी झुग? ये छोटे छोटे बच्चे अच्छा कमाते कैसे यहाँ पे? कहाँ कबाड़ा बीनते हैं, कूड़ा कबाड़ा बीन के भीख मांगते हैं, तो मजदूरी बेल मजदूरी करते हैं, तो पाल रहे अपने बच्चे, क्या करें? सब देने नहीं। क्या हुआ आंटी, आप रो रही हैं? क्या करें, मेरे घर टूट रहा है, मैं क्या खा जाऊं सर? छोटे छोटे बच्चे हमारा वो पुलिया के नीचे बैठे हैं। नेताजी का कहना है कि नोटिस आया था, नोटिस नहीं, नोटिस वोटिस नहीं आया था, कुछ नहीं आया। ये भरो आप लोग को कह रहे हैं आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे, जला देंगे, कहाँ जाएंगे? सामान केजरीवाल कह रहे हैं कि हम झुग्गी को घर बना के दे दिए, कोई नहीं दिया, भरवा चोर नहीं दे रहे, कुछ नहीं दिए। मेरे बच्चे वहाँ पे पड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड में से कहाँ जाऊँ सर, कहाँ मरे किस रोड, कहाँ जाऊँ लड़के बच्चे, कहाँ जाए? हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, न कोर्ट पुलिस। तो अपने नेता के पास गए थे? नेता के पास गए, धक्के मार के निकाल दिया। कौन से नेता धक्के मार के निकाल? रमेश भी दौड़े के ऑफिस में गए, बोल रहा कि कोई सुनवाई नहीं है, जाओ। क्या कह रहे हैं भैया, किसके ऑफिस में गए थे आप? राम सिंह भिदौड़ी के, रामवीर सिंह भिदौड़ी, जो बदरपुर विधानसभा के विधायक। हाँ, विधायक है। मार के कुत्ते की तरह, जैसे हम कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर है, लात मार के निकाल।
दी है, बोल रहा है तुम्हारे स्वास्थ्य के में कोई नहीं सहारा देगा, तुम मरो चाहे कहीं भी मरो, क्या हम लोग फालतू, हमारे दौलत नहीं है, हमारे पैसा नहीं है, हमारे मकान नहीं, तो हम गरीब है तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपके घर में बिजली का बिल आता था? बिजली के बिल नहीं, हम चोरी भी जलाती हूँ। अच्छा, कितने साल से रहते थे? 10 साल से रहती हूँ। बहुत साल से, फिर भी कितना, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 साल हो गया। हमारे बच्चों की पैदाइश, हमारी सबकी आई की पैदाइश से। अब हमें क्या चाहिए? सर छुपाने की जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी आपने देखा लोग किस तरीके से आंख से आंसू निकल रहा है लोगों के, लोग का कहना ये है, जहां एक तरफ सरकार ये कहती है कि अगर आप 12 साल के वहां पे निवासी हैं, बिजली का बिल है तो आप मालिकाना हक मिलेगा, यहां पे मालिकाना का हक नहीं, यहां पे घर जो है उसको तोड़ा जा रहा है, ये टूट रहा है भाई, गलत बात है। और क्या, ये दुग्गी टूट रही है, गलत बात है ना। लेकिन सरकार का कहना है कि अनऑथोराइज जगह पर है ये। सरकार तो भाई ऐसी ही है भाई, सरकार तो ऐसी चलती रहेगी सबकी, ये तो कभी भी टूट जाएगी, इसलिए कहाँ जाए ये बच्चे लेके यहाँ शमशान में मरे, इस मथुरा रोड में लेट जाए, हमारे मकान नहीं है, ये रात में हम कहा अगर बारिश आ गई तो कहाँ जाएंगे, हमें तो खुद नहीं पता कि हम किस जगह मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कहाँ नहीं मरेंगे। जब इंदिरा गांधी का कांड हुआ था, जब से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, हमारा लोगों के यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ पे हमको 17 साल हो रहा है, 17 साल हो रहा है। तो आपने मालिकाना हक पेश नहीं किया अपने यहाँ? कुछ भी नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं। माता तो हाथ जोड़ के कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ, अब वोट निकलने के बाद पब्लिक को लात मार के, धक्के मार के भगा देते हैं, कहाँ जाएंगे? रोटी ना, रोजगार ना, कुछ झूठा मूठा वाला कहाँ कहते थे, इसमें मर गए 7 औरत 7 मर्द। हमें ले गए गोविंदपुरी फ्लैट देने के लिए, बोले आप लोग को फ्लैट देंगे, फ्लैट भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, हम लोग को घर से बेघर कर